सपोज यू वेंट टू अ विंटेज प्लेस विद सम डेड कार्स ऑल अराउंड और तुमने कुछ बहुत ही मूडी शॉट्स लिए, क्या होता अगर एडिट करने के टाइम तुम उसमें जान डाल पाते? बाय सम इजी एंड फास्ट टेक्निक विद लाइटरूम, नो फोटोशॉप, नो अदर एप्लीकेशन, जस्ट लाइटरूम। ये तुम मोबाइल में भी कर सकते हो बाय द वे। यू रेडी? लेट्स गो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू कि सिर्फ इस टाइप की फोटोज़ के लिए नहीं, ये टेक्निक तुम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही यूनिक वे पे यूज़ कर सकते हो टू ड्रामेटिकली इम्प्रूव योर एडिटिंग। कैमरा चेंज। तो दिस इज अ फोटो ऑफ अ डेड कार, बट ज़्यादा देर तक नहीं। तो चलो इस समवट बोरिंग फोटो को वो सिनेमैटिक ग्रंजी फील एंड वाइब देते हैं। आई ऑलवेज स्टार्ट विथ वाइट बैलेंस एंड एक्सपोजर। तुम गुलाब जामुन से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इस इमेज के लिए मैं थोड़ा वार्म टेम्परेचर में जा रहा हूँ और एक्सपोजर मुझे थोड़ा ब्राइट चाहिए क्योंकि मैं कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। शेडोज में थोड़ा बढ़ा रहा हूँ ताकि डिटेल्स पता चले। एंड दिस इज द सेम टेक्निक एज द लास्ट वीडियो, वाइब्रेंस ज़्यादा, सैचुरेशन कम। टोन कार्व में लेट्स क्रिएट एन एस कार्व। हाईलाइट को मैं थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ यहाँ पे और शेडोज थोड़ा कम कर रहा हूँ टू क्रिएट दैट एस स्टाइल कर्व, टू क्रिएट एक्चुअल कॉन्ट्रास्ट ऑफ हाईलाइट्स एंड शेडोज। नाउ कम्स HSL। नाउ दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टूल इन लाइटरूम। तो ह्यू सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस में उसके हिसाब से कर रहा हूँ। इसका मेन फंडा यही है कि मैं कलर को जितना हो सके सेपरेट करना चाहता हूँ। कार का बॉडी का जो टेक्सचर है वो मैं टील देना चाहता हूँ, उसमें मैं टील कलर ऐड करना चाहता हूँ। डस्ट का टेक्सचर है उसे मैं थोड़ा वार्म टोन में देना चाहता हूँ ताकि वो सेपरेट हो जाए कलर। नाउ दिस इज कॉल्ड ग्रेजुएटेड फिल्टर, क्योंकि इसे ग्रेजुएशन में नहीं सिखाते। तो इस ग्रेजुएटेड फिल्टर को यूज करने का मतलब यही है कि मैं किसी भी एक पार्ट में एक्सपोजर बहुत ही कम चाहता हूँ और वो भी बहुत सॉफ्ट ट्रांजिशन के साथ। तो ड्रैग डाउन एक्सपोजर लिटिल ताकि नीचे वाला पार्ट डार्क हो जाए टू मैच आवर इंडियन बॉडी। ऑल्सो हाईलाइट्स एंड शेडोज को भी कम करना है। ये सेम चीज मैं ऊपर से भी कर रहा हूँ ताकि ऊपर और नीचे से एक डार्क ग्रेडियंट तैयार हो ताकि कार की हेडलाइट पे फोकस ज्यादा आ जाए। दिस इज कॉल्ड रेडियल फिल्टर, सेम थिंग एज ग्रेडियंट। तो इसके मदद से मैं जहाँ पे फोकस डालना चाहता हूँ विच इज द कार्स हेडलाइट, उसमें मैं एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडोज थोड़ा बढ़ा रहा हूँ ताकि ये कॉन्ट्रास्ट और भी ज्यादा लगे। नाउ लेट्स कम टू द स्प्लिट टोनिंग। मैं हमेशा सैचुरेशन को पहले थोड़ा बढ़ाता हूँ ताकि कलर क्या डाल रहा हूँ वो मुझे पता चले, और शेडोज में मैं एक ग्रीनिश टील कलर डालना चाहता हूँ, उसके बाद सैचुरेशन बहुत ही कम। यू कैन सी द डिफरेंस। नाउ ये हो गया बेस जिसके ऊपर हम लाइट जलाएंगे। तो क्योंकि ये हेडलाइट एक सर्कल है या ओवल है, आई एम यूजिंग अनदर रेडियल फिल्टर, सिमिलर शेप में ले जाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो सेट करने के बाद मैं टेम्परेचर पूरा वार्म की साइड कर रहा हूँ, एक्सपोजर बहुत बढ़ा रहा हूँ, कॉन्ट्रास्ट, हाइलाइट्स एंड शेडोज। तो मरे हुए चीज में लाइट तो हम डाल दिए, अभी इसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाते हैं। तो मैं इस सेम इफेक्ट को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। इसका ओवरऑल एक्सपोजर मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि ये बीच वाला पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा ओवर एक्सपोज होता है, उसके बाद वाला जो ग्लूम होता है वो थोड़ा कम एक्सपोज होता है। नाउ आई एम एडिंग सम कलर्स। जान आया कि नहीं है? आई होप आई कुड यूज दिस टेक्निक ऑन कंगना रनावत्स करियर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट फोटो। आई टुक दिस फोटो आउटसाइड ऑफ एन ऑफिस। 6 बजे की बात की ये फोटो है, इसीलिए उस ऑफिस एम्प्लॉयज की तरह इसमें भी जान नहीं है। सो लेट्स गिव सम लाइफ, आई मीन लाइट। सेम थिंग एज बिफोर, आई विल यूज अ पिकट टूल फॉर वाइट बैलेंस सिलेक्टर। ये मैं पिकट टूल लेके किसी भी एक वाइट चीज पे ये टच करूंगा और ये ऑटोमेटिक वाइट बैलेंस चेंज कर देगा। हाईलाइट, शेडोज, वाइट, सब ब्राइट, वाइब्रेंस थोड़ा ज्यादा, सैचुरेशन थोड़ा कम। देन द टोन कर्व, सेम थिंग एज प्रीवियस, एक बहुत स्लाइट एस कर्व क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ रेडियल और ग्रेडियंट फिल्टर में। ये दोनों टूल से मैं कुछ नहीं कर रहा, बस फोकस को अपने सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी इट इज वे बेटर। तो चलो इसमें भी रोशनी देते हैं, क्योंकि ये एक ओवल या फिर सर्कल सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं इसके लिए ब्रश टूल यूज कर रहा हूँ। सिलेक्ट द ब्रश टूल। तुम ब्रश का साइज चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग द थर्ड ब्रैकेट ऑन योर कीबोर्ड। अगर देखना है कि कहाँ ड्रॉ कर रहे हो, उसके लिए कीबोर्ड में ओ दबाओ तो एक रेड ओवरले आ जाएगा, उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो। ड्रॉ करते टाइम अगर ब्रश स्ट्रोक्स बाहर आ रहे गलती से तो कोई बात नहीं, डिजिटल चीजें गलतियां छुपा देंगे, लाइफ थोड़ी है। उसके लिए बस इंटेंसिटी को जीरो करो एकदम, और जितना भी पोर्शन तुम्हारा बाहर आ रहा है उसके ऊपर ड्रॉ करो, गलतियां छुप जाएंगी। इसके लिए भी सेम थिंग। तो इसमें मैं एक एडिशनल येलो कलर यूज कर रहा हूँ टू गिव ए लिटिल येलो इश टच। देखो बिन बाती दीपक जल गया, तो इसके ऊपर अब थोड़ा ग्लो देते हैं। सेम थिंग, सिलेक्ट दैट गोल वाला रेडियल टूल, टेम्परेचर को थोड़ा वार्म साइड में ले जा रहा हूँ, एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा रहा हूँ,
और एक एक्स्ट्रा ऑरेंज कलर टू एड द रियलिस्टिक ग्लो। सो इस टेक्निक को अपने हिसाब से यूज करके और प्रैक्टिस करके यू कैन गेट सम रियली कूल अमेजिंग रिजल्ट्स इन अ मैजिकल रियलिस्टिक वे। और जो इसे फेक समझे उसकी सो होप आई कैन गेट लाइक फ्रॉम यू एंड हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू वॉन्ट एवरी वीक्स फिल्म मेकिंग फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग लाइटिंग ट्यूटोरियल्स विथ अ लिटिल फन। एंड ऑलवेज रिमेंबर, रियल हो या फेक हो, हाथों में लेना दोनों ही अच्छा लगता है।